नमस्ते। नवरात्रि का स्वाद हर्षिता के साथ। सुबह सबसे पहले मैंने नहा धोहा करके पूजा वगैरह कर लिया था दुर्गा माता का, और यहाँ पे मैंने एक कटोरी साबूदाना ले लिया है, बड़े मोटे वाले साबूदाना है। उसको अच्छी तरह से धो करके उसको वॉश कर लेंगे, उसके स्टार्च निकाल लेंगे, क्योंकि स्टार्च निकालना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है साबूदाना में। और उसको अच्छी तरह से छान लेंगे, छान के एक बर्तन में ना फैला करके रख देंगे। इससे क्या होगा कि पूरा पानी निकल जाएगा साबूदाना का, और बहुत बढ़िया साबूदाना, जो भी रेसिपी आप बनाइएगा तो अच्छा साबूदाना का बनेगा। तो मैंने यहाँ पे एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें डालूंगी एक चम्मच घी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, गाय का जो घी होता है वही घी मैंने लिया है। एक चम्मच घी डालेंगे, उसको मेल्ट होने देंगे। उसके बाद जो भिगो के साबूदाना रखे थे उसके पानी निकल गया था, तो उसको डाल देंगे डाल करके, और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। मतलब एकदम अच्छा से भुन जाना चाहिए, जैसे होता है ना कि इसके जो चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाने चाहिए। तो इस तरह से अगर आप साबूदाना की खीर बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी, आपस में चिपकेगी भी नहीं और बहुत बढ़िया बनेगी। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिर मैंने यहाँ पर दूध डाला है, 1 लीटर दूध मैंने लिया था फुल क्रीम, उसी से मैं साबूदाना का खीर बनाऊंगी। मेरे यहाँ स्पेशली क्या होता है ना, गाय के दूध में कोई भी खीर वगैरह नहीं बनते हैं, हमेशा फुल क्रीम दूध में ही बनते थे। इससे क्या होता है, बहुत टेस्टी बनती है, और जब तक दूध में उबाल ना आए तब तक साबूदाने को लगातार चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि साबूदाना आपस में चिपकेगा नहीं, और बहुत ही बढ़िया साबूदाने की खीर बनेगी। तब तक मैंने यहाँ पर जो भी मेरे पास थोड़े से मेवा थे उसको कट कर लिया, जैसे काजू और बादाम आलमंड थे उसी को मैंने कट किया। आपके पास जो हो और आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा केसर के लच्छे, केसर के लच्छे से स्वाद बहुत अच्छा आता है, एकदम ऐसा लगेगा ना ये वाला खीर, लगेगा कि आप रसमलाई खा रहे हो, इतनी टेस्टी बनती है। तो इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। केसर के धागे भी आपस में घुल मिल गए हैं। थोड़ी सी इलायची पाउडर मैंने डाल दिया था, इलायची पाउडर तो मैं बना करके ही रखती हूँ, जिससे क्या होता है कोई भी चीज़ बनाइए तो आसानी रहता है डालने में। स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे, मैंने 1/2 कटोरी चीनी लिया है। अगर आपके घर में ज़्यादा मीठा खाते हैं उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो इसको मिक्स करेंगे, एक उबाल आने देंगे। देखो कितनी टेस्टी खीर यहाँ पे बन करके तैयार है। और मैं तो क्या सोची थी कि नवरात्रा में बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपी, नवरात्रि की थाली भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मेरा तो तबीयत ही ख़राब हो गया। फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छे नवरात्रा का जो खाना है फलाहार है उसको मैं शेयर कर सकूँ। तो फिर इसको मैंने यहाँ पर सर्व कर दिया और ठंडा होने देंगे। अभी मेरे पतिदेव नहीं आए हैं, तो हम लोग सभी लोग आज पहला नवरात्रा है ना, तो हम लोग सभी लोग उपवास किए हैं। ऊपर से थोड़े से काजू बादाम से डेकोरेट करेंगे, केसर के लच्छे डाल देंगे, पिस्ता से भी आप डेकोरेट कर सकते हो, बहुत टेस्टी दिखती है। अब चलते हैं दूसरा फलाहार बनाने के लिए, क्योंकि एक तरह से सोची कि मैंने थाली ही बनाया है तो क्या करेंगे ना। यहाँ पे मैंने बादाम का तेल डाला है कढ़ाई में, और यहाँ पीनट डाल करके इसको भून लेंगे, एकदम अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पीनट लिया है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा स्टोर करके भी रखूँगी नमक डाल के, तो मंजिंग करने में ना नवरात्रा में बहुत अच्छा लगता है। मेरा बेटा को तो बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी बना करके रख देती हूँ, वो हमेशा इस तरह से पीनट का मंजिंग करते रहता है। तो देखिए भून गया है पीनट, इसको अलग करके रख देंगे एक थाली में। उसके बाद से क्या करेंगे कि फिर सेम ही कढ़ाई में आलू मैंने बॉयल करके सुबह ही रख दिया था। नवरात्रा में क्या होता है कि मैं अक्सर आलू उबाल करके रख दिया करती हूँ, इससे क्या होता है ना कि फटाफट से आप रेसिपी बना सकते हो, जीरा आलू बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सेम कढ़ाई में मैंने थोड़े से तेल में वही बादाम के तेल में 1 चम्मच जीरा डाला, हरी मिर्ची डाला, और ये जो उबले हुए आलू हैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको डाल दिया। सेंधा नमक डाला, क्योंकि सेंधा नमक हम लोग खाते हैं, पता नहीं आप लोग खाते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या बना रही है माँ? नवरात्रा भी चल रहा है, तो नवरात्रा के लिए उपवास का प्रसाद बन रहा है। तब तक मेरा बेटा भी आ गया था और बोल रहा था कि मम्मा क्या बनाई हो। तो आलू देखो, या देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से भुन गया है, और थोड़ी सी बादाम को मैंने ना मिक्सी में दरदरा पीस लिया था, उसको भी डाल देंगे इसके, डाल के अच्छी तरह से चलाएंगे। आप भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा, मेरी पतली वाली है ना, तो थोड़े से चिपक गए थे, तो इसको भी अच्छी तरह से घुल मिल जाने देंगे आपस में। उसके बाद से साबूदाना यहाँ मैंने भिगो करके रख दिया था। साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए मीडियम वाला साबूदाना बहुत बेस्ट रहता है, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैं मोटे वाले साबूदाना का ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। जब भी मैं उपवास रहती हूँ नवरात्रि में, तो मेरा बेटा भी मेरे साथ रहता है और बोलता है कि माँ साबूदाने की खिचड़ी ज़रूर बनाना, क्योंकि उसे बहुत पसंद है, और मैं हमेशा बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा। तो साबूदाना
साबुदाने को अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि साबुदाना ना जब भून जाता है तो मतलब अच्छी तरह शीशा के जैसा चमकने लगता है। तो उसको भून लिया है तो इस तरह से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि साबुदाना अच्छी तरह से पक गया है। फिर थोड़े से धनिया पत्ता डाल देंगे, यहाँ पे नींबू का रस डालेंगे, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग भी एक बार बनाइए इस नवरात्रि और खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थोड़ी सी बादाम से डेकोरेट कर देंगे, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और थोड़े से फल काट लिए थे मैंने, ये फल काट लिया था क्योंकि अभी हम जैसे केला नहीं लिए थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। आज बनाया है नवरात्रा के लिए साबुदाना का खिचड़ी और साबुदाना का खीर।